अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुझे जो भी सुनने वाले हैं, इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप सभी को मैं अपने इस YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। दिल की अमीक गहराइयों से मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों और जो भी मुझे सुनने वाले हैं, माँ और बाप हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो हमारे लिए बेरोज मोहब्बत हमसे करते हैं, जो हमारी कदर करते हैं। लेकिन हमारा समाज वो कदर वापस अपने उन पेरेंट्स को नहीं कर रहा है। हमारी माँ है, ये माँ ही है जो अगर एक्सीडेंट कहीं किसी का हो जाता है तो 40 दिन तक आपके बेड पर वो बराबर बैठी रहेगी, कभी वहाँ से हिलने वाली नहीं है। हमारे रिश्तेदार, दोस्त, यार वो आते जाते रहेंगे, लेकिन वो माँ वहीं पे इंतज़ार करती रहेगी। और हालांकि आपका पेशाब या पाखाना जो भी होता होगा और हमारे हाथ पाँव काम नहीं करते होंगे उस हादसे की वजह से, मगर वो माँ वो भी साफ करेगी, लेकिन कभी किसी के सामने इजहार नहीं करेगी और कभी चितलाएगी नहीं वो ऐसा। लेकिन क्या वही कदर, वही एहतराम, वही इज्जत हमारा समाज, हमारी ये जनरेशन, जो हम खुद इंक्लूडिंग मी, क्या वो वापस ऐसा कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक ताला ने भी मोहब्बत की मिसाल देते हुए माँ का नाम लिया कि ऐ बंदे, मैं तुझसे 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उसने किसी रिश्तेदार का नाम नहीं लिया, माँ का लिया। माँ खैर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, माँ और बाप, ये इंशाल्लाह किसी और दिन मैं ज़रूर इस पर डिस्कस करूँगा और आपके मशवरों को भी मैं इंतज़ार करता रहूँगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अगर अच्छा लगे, अगर आप चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी वीडियोज़ उनकी नोटिफिकेशन आप तक इन टाइम पहुँचती रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह निगहबान।